सो हाय गाइस, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। तो आज हम करेंगे बढ़िया सा रिव्यू आफ्टर 10,000 किलोमीटर्स ऑन ह्यूंडई ऑरा। कैसी रही ये गाड़ी, क्योंकि 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है गाड़ी के बारे में, प्रोज एज वेल एज कॉन्स। तो आप देख सकते हैं 10,000 चल पड़ी है, एंड लिटरली एक शब्द में अगर गाड़ी को मैं इंट्रोडक्शन करूँ ना, मक्खन। आई स्टिल इट्स एज गुड एज न्यू। शोरूम से निकलते वक्त जितनी स्मूथ होती गाड़ी, उतनी अभी भी सस्पेंशन इसका अभी भी वैसा ही है, एकदम सॉफ्ट नाइस, एंड इट्स अ रियली गुड कार। तो आज मैं देखते हुए खाली अच्छी सी जगह मेरे को मिल जाए, वहाँ पे गाड़ी डाल के फिर रिव्यू करते हैं इस गाड़ी का। दिस इज़ द कार, लाइक सुपर डुपर लाइट स्टीयरिंग, कंफर्टेबल इंटीरियर। इस प्राइस पॉइंट में जो कॉम्पैक्ट सेडान है ना यार, आई डोंट थिंक कि इतनी अच्छी कोई देता है। लाइक लिटरली इट्स अ रियली गुड कार इन द बजट। एंड जो कूल है भाई इस इंजन का, कम नहीं है। एंड लिटरली आप देख रहे हो टायर बिल्कुल भी स्किड नहीं करते, चाहे जितनी तेज मोड़ काट लो, इतनी डायनेमिकली ये अच्छी गाड़ी है। और इसका रीजन सस्पेंशन होता है, इसका रीजन वो नहीं होता कि ब्रेक्स आप देख रहे हो कितनी अच्छी रही। अब यहाँ से पूरी रिवर्स ले जाएगी गाड़ी, रियर व्यू कैमरा, कहीं पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, काफी ईजी है यार गाइज। ये सबसे खास बात है, मतलब नॉर्मल गाड़ियों में आपको मुंडी मोड़ मोड़ के पूरा देखना पड़ता है। रिवर्स गियर का यहाँ पे इंडिकेशन भी आ जाता है, यहाँ पे जा रही गाड़ी जा रही है। सो गाइस, दिस इज द ह्यूंडई ऑरा। अब जो सेकंड सर्विस कॉस्ट है इस गाड़ी की, वो कितनी आई है, तो दिस इज द सेकंड सर्विस कॉस्ट। बिल आप देख सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, सीधी बात पे आते हैं। भाई सबसे पहले इसमें वॉशर डला था सेकंड सर्विस में, जो कि है जिसकी कॉस्ट है 17-18-20 रुपीज़ की अप्रॉक्सीमेटली। ये बिकॉज ये जो प्राइस आप देख रहे हो ना, इसके आगे GST भी लगता है, तो ये प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है। इंजन ऑयल जो है पेट्रोल शेल का डालते हैं, मिनरल ऑयल 3 लीटर का अप्रॉक्सीमेटली डलता है, जो कि 920 या 930 रुपये का है, आप ये समझ के रहो। उसके बाद डलता है एयर इंटेक क्लीनिंग, जो कि थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग होती है, जो कि सबसे घटिया चीज़ है। इन लोगों ने मुझे बोला कि करवा लो, मुझे लगा ज़रूरत होगी, बट बाद में मुझे रियलाइज हुई इसकी तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। सो अगर आप करा रहे हो अपनी गाड़ी की सेकेंड सर्विस, उस चीज़ का खास ख्याल रखना कि थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग नहीं करवानी। और उसके बाद है फिल्टर असेंबली इंजन ऑयल। सो ये ऑयल फिल्टर है इंजन का, उसकी कॉस्ट है 80 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली, 75 लिखा हुआ है। सो ओवरऑल जो टोटल कॉस्ट आई है वो आई है 2,214 रुपीज़। एंड जो कि मेरे हिसाब से, अगर आप इस थ्रॉटल बॉडी बिल्कुल भी कराने की ज़रूरत नहीं थी, एयर इंटेक क्लीनिंग जो है, सो यहाँ ही से आप 900 रुपये बचा लेते, जो 867 है, तो समझ लो आपका बिल कितना आता, 1,400-1,500 सेकेंड सर्विस का, जो कि फ्री होती है लेबर चार्जेस में। बाकी गाड़ी को ले चलते हैं अब आगे, सोच रहा हूँ पीछे कहीं ले जाऊँ, अच्छी सी जगह मिल जाए सर्विस के लिए।